गिलवेड गिलवेड मैं तुम्हारा गिलवेड बाप हूँ, मोस्ट गिलवेड मैं तुम्हारा गिलवेड बाप हूँ, तो गिलवेड मैंने बहुत प्यारा है। सुनो आगे पीछे की बात सुन लो ध्यान से। द्रौपदी को दांव पे लगाना धर्म है? कुछ है बाबा, द्रौपदी को दांव पे लगाना धर्म है? द्रौपदी को दांव पे लगाना धर्म है? तो फिर धर्म और अधर्म क्या है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें आई हैं वो संगम युग की बातें हैं या भक्ति मार्ग की अलग से बातें हैं? संगम युग में बाप आते हैं, कहते हैं रामायण की बातें भी वही बताई गई है शास्त्रों में, तन धन धाम सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी। चाहे अपना तन हो, चाहे धन हो, चाहे जीवी हो, चाहे बाल बच्चे हो, सबकी ममता निकाल करके एक ईश्वर में मिलोना डुबोना है। तो क्या ये बेहद का जुआ नहीं है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में हम सब जुआ नहीं खेल रहे हैं कि हम भी आत्मा हैं, हमारी पत्नी भी आत्मा है, तो आत्मा आत्मा क्या हो गए? भाई भाई हो गए। पत्नी कहती है हम तो ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, तो भाई को स्वतंत्र छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? तो दांव पे लगाया या नहीं लगाया? राजाई तो कौरवों की है, कौरव अपना तन धन धाम स्वर्ग परिवार तो स्वाहा करते नहीं है, पांडव स्वाहा करते हैं सच्चाई से। कौरव पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और पांडव सच्चाई से स्वाहा कर देते हैं। तो ये बेहद का दांव है, बाकी हद की जब जुआ खेलने के लिए भगवान ने कोई नहीं बोला था, ये बेहद का जुआ है। सब कुछ दांव पर लगाएंगे तो नई दुनिया में सब कुछ मैं तुमको नया दे दूंगा। हद के रूप से सोचते हैं तो उल्टा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। और ब्राह्मण सो पहला देवता पहला वैश्य शूद्र जो कहते हैं है? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता पहला क्षत्रिय पहला वैश्य शूद्र कहते हैं। तो पहला जो ब्राह्मण सो देवता बनता है वो नारायण है, लेकिन वही नारायण पहला क्षत्रिय राम नहीं बनता बाबा, तो क्षत्रिय कैसे कहेंगे पहला सो क्षत्रिय? जो भी शूटिंग पीरियड में बनता है या में जाके बनता है, शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम पर पहले शूटिंग होती है। वहां तो सिर्फ बंटवारा होता है, जो 21 जन्म का पार्टनर है उसके साथ बंटवारे की बात है। तुमने प्योरिटी का पुरुषार्थ किया, राम वाली आत्मा ने ज्ञान और योग का पुरुषार्थ किया। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, इसलिए कन्याओं माताओं के हाथ में ज्ञान का कलश दिया जाता है, लक्ष्मी बांटने की निमित्त बनती है। नारायण कहो या शंकर कहो या ब्रह्मा कहो,
ये बांटने के निमित्त नहीं है, क्योंकि प्योरिटी की वो पावर काम में नहीं आती है। इसलिए अंधे लंगड़े की कहानी बनी हुई है। एक है प्योरिटी का लंगड़ा और दूसरा है ज्ञान का अंधा। दोनों का एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट होता है। और 21 जन्म की सगाई पक्की हो जाती है। वो त्रेता की बात नहीं है, अभी संगम युग की बात है। और शक्ति देना कठिन है, शक्ति देना कठिन है, शक्ति शक्ति देना कठिन है, ज्ञान और योग सहज है। शक्ति लेना कठिन है, शक्ति लेना कठिन है और ज्ञान योग सहज है। बाबा योग द्वारा ही तो शक्ति प्राप्त होती है, योग ही तो शक्ति है। शक्ति कौन सी? याद जिसे कहते हैं वो ही शक्ति है। याद को ही तेज कहा जाता है, याद को ही काश्य कहा जाता है, जिससे काशी नगरी बनती है। तेज कोई दूसरा नहीं है, हर एक आत्मा में जो तेज व्यापक है वो ईश्वर की याद का तेज व्यापक है। ईश्वर व्यापक नहीं है, ईश्वर तो लास्ट जन्म में इस सृष्टि पर आता है। और ईश्वर की याद का तेज हर आत्मा में नंबरवार समाता है, जो जितना याद करती है। जास्ती याद करती है तो जास्ती तेज समा जाता है। जिसमें 100% तेज समा जाता है वो हीरो पार्टधारी के रूप में संसार रूपी रंगमंच पर प्रसिद्ध हो जाता है। नारायण कहा जाता है। जिस नारायण के लिए ये गायन है कि दुनिया में उनकी कोई भी ग्लानि नहीं हो सके, और 733 करोड़ देवताओं की ग्लानि होती है, क्योंकि कुछ न कुछ अयोगी बन जाते हैं, वियोगी बन जाते हैं, तेज भरपूर नहीं रह पाता है। तो ऐसे नहीं है कि याद अलग है और तेज अलग है। हाँ, याद की विधि में अंतर हो सकता है। कोई की व्यभिचारी याद होती है, कोई की अव्यभिचारी याद होती है। अव्यभिचारी याद ऐसी तीव्र अग्नि है जो 1 सेकंड में अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। जैसे सोने को धीमी आग में डाला जाए तो शुद्ध नहीं बनेगा, तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये याद की तीव्र अग्नि है। अग्नि देवता को तेज का रूप माना गया है, ये याद का तेज है। और याद भी उसे एक परम ब्रह्म परमेश्वर की है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, सदैव अमन रहने वाला है,
सदैव शांत स्वरूप है। उस शांति की दुनिया में भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है, पतित तन में आता है, तो भी सदैव शांत रहता है। वो अक्षर है, कभी भी क्षरित नहीं होता है। जिस शंकर में प्रवेश करता है वो भी अमोघ वीर्य बन जाता है। गायन भी करते हैं अच्युतम केशवम, वो अपनी स्टेज से कभी नीचे नहीं उतरता, च्युत होने वाला नहीं है, सदैव स्थिर है। उसकी याद करने वाले भी स्थिर बन जाते हैं, उनकी मन बुद्धि भी स्थिर बन जाती है। और सालों का काल है, वर्षों का काल कहा जाता है, आखिरी काल में होगा ना, सबसे अंत में काल किसको खाएगा? एक होता है काल और एक होता है महाकाल। काल तो 84 जन्मों में आता ही रहता है, वो सामान्य बात हो गई। लेकिन महाकाल का पाठ तब है जब सारी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा होता है, सारी दुनिया को काल के गाल में डाल लेता है। कराल दाढ़ों में चबाए देता है, सिर्फ जिसमें प्रवेश करता है वो ही रह जाता है। इसलिए शंकर का जन्म मरण नहीं दिखाया जाता है। धन लुटाते हैं ना, तो हम सब बेहद में मरते हैं ना देह भान से, तो धन लेके जाएंगे क्या? मरने से पहले भी सारा धन लुटाते हैं, और जो मर जाते हैं देह भान से मर गए तो सारा धन किसके काम में आएगा? मरने वाले के काम में आएगा या विश्व कल्याण के काम में आएगा? विश्व कल्याण के काम में आएगा। और शिव की प्रवेशता वानप्रस्थ अवस्था अर्थात 60 साल के बाद होती है, तो आदि में जो गीता माता के द्वारा सुनने सुनाने के लिए शिव की प्रवेशता हुई थी, और प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद जो एक दो माताओं के द्वारा जो प्रवेश करके मुरली चलाई गई, तो उसमें 60 साल की उनकी आयु हो गई जरूर हुई होगी, 60 साल की आयु, और को 50 साल की आयु में प्रवेश कर लिया। मैं तो तुरंत में ही प्रजा माता है, पिता माता फिर प्रजापिता में प्रवेश किए, तो दोनों की 60 साल की आयु कहेंगे। हाँ, प्रजापिता और प्रजा माता दोनों की आयु 60 साल। और नारायण का पहला जन्म और आठवां जन्म,
आठवा जन्म साहूकार का पुत्र है, साहूकार पुत्र है। हाँ, तो फिर सतयुग में और बीच में जो सात जन्म होते हैं वो विस्तृत जन्म वो राजा ही के जन्म होते हैं। प्रजा वर्ग राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, राम वाली आत्मा सारी सृष्टि का बीज है। ऐसे नहीं वो हर जन्म में राजा ही बनती है, क्या प्रजा का बीज नहीं है? तो प्रजा भी बनती है। नारायण जब सतयुग में दूसरा जन्म देता है तो इसके द्वारा उसका लौकिक जन्म होता है। दूसरे जन्म का ही पूछेंगे या 84वां जन्म का पूछेंगे? 84 जन्म की बात पूछ लो एक एक करके। बाप दादा ने कहा है मैं किसी का पार्ट नहीं बताऊंगा, कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बताऊंगा, हर एक अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी भाषा से, वाचा से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। मैं प्रत्यक्ष नहीं करूंगा। और प्रजापिता के द्वारा यज्ञ छोड़ के जाने के बाद माता को डायरेक्शन मिलता है कि वो ब्रह्मा का साथ दे रहे, तो इसका क्या कारण? डायरेक्शन मिलता है क्या? आपने डायरेक्शन कहीं मुरली में पढ़ा क्या? मुरली में लिया है बाबा, मुरली में एक वार्तालाप में पूछा। कौन सी मुरली? मुरली वार्तालाप तो वार्तालाप है। वार्तालाप में पूछा बाबा पत्नी का धर्म होता है पति को साथ देना, तो पत्नी का धर्म होता है पति को साथ देना। माता ने सूर्य प्रजापिता का साथ क्यों नहीं दिया? माता होती है तो माता कभी अपने मायके में या भाई के पास नहीं जाती है क्या? है? और हाँ चलो चले माँ सबको के गांव में जहाँ कोई गम न हो। वो यद में तो अर्थ स्वर्ग में ले जाता हूँ। तुम आत्मिक स्थिति धारण करो, स्व स्थिति को धारण करेंगे तो सुखी ही सुख के संकल्पों में रहेंगे, दुख आवेगा ही नहीं, सारा संगम युग मौजों का युग हो जावेगा। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्व स्थिति में रहेंगे। और बाबा संगम युग में और संगम युग सतयुग में और संगम युग में राज्याधिकारी मिनिस्टर आदि ऊंचे पदाधिकारी नहीं होंगे, तो इस अनुभव एडवांस की दुनिया में कैसा होगा? अभी संगम युग का अंत काल है, मध्यकाल चल रहा है या आदिकाल चल रहा है? अंतकाल चल रहा है। अंत अगर चलेगा तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो प्रत्यक्षता हो गई क्या? जिस समय बाप प्रत्यक्ष होगा उस समय सारी दुनिया को संदेश मिल जाएगा। उस समय आज की दुनिया के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी रियलाइज करेंगे कि हमारा बाप आ गया। तो लंबे समय का पुरुषार्थ करेंगे या अल्पकाल का पुरुषार्थ करने की उनको प्रारब्ध मिलेगी? तो अल्पकाल का पुरुषार्थ करेंगे, अल्पकाल की प्राप्ति करेंगे।
बाबा जब साइन रजिस्टर में साइन करते हैं तो कौन सी माँ को इमर्ज करके साइन करते हैं? ये तो अपना अपना अलग अलग है, अपनी अपनी भावना अलग अलग है या सबकी एक ही भावना है? अलग अलग भावना है। बाबा ने तो बोल दिया भारत में भारतवासियों की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी भी कर लेते हैं, कहते हैं एक जूती गई अब दूसरी लेते हैं। ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, ये भी मुरा मेरी पुरानी जूती है, माने इसको भी मैं छोड़ दूंगा, और 68 में छोड़ भी दिया। तो ऐसे नहीं है कि सबका लगाव एक ही माँ से होगा। कोई का जगदम्बा माँ से लगाव होगा, कोई की लक्ष्मी माँ से लगाव होगा, कोई का काशी माँ से लगाव होगा, कोई का महाकाली माता से भी लगाव होगा। नौ धर्म है तो नौ देवियां हैं, और ब्राह्मणों के भी नौ कुरियां हैं, नौ प्रकार के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो माता रूपी धरणी अलग अलग होगी या एक ही होगी? हैं? अलग अलग हो। और बाप बाप नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, इसके एडवांस में शूटिंग कैसे होती है? सिंध हैदराबाद में जब सत्संग चल रहा था और सारे हैदराबाद में विरोधाभास पैदा हो गया सत्संग के लिए, तो जिन्होंने अपना समझ करके अपनी बहनों को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को साथ साथ तालों के अंदर रख दिया था, और हिंदू मुसलमानों का जब झगड़ा पैदा हुआ, बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो कैसे छोड़ करके भागे थे? फिर उनको याद रहा ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, कि ये मेरी बहन है। बाप बाप रहा, भाई भाई रहा, पति पति रहा, तो जैसे आदमी हुआ वो छोटा रूप था, अभी अंत में बड़े रूप में नजारा सामने आवेगा। जैसे द्रौपदी के लिए कहते थे कि भीष्म पितामह के सामने भी पहुंची, विदुर के सामने भी पहुंची, कृपाचार्य के सामने भी पहुंची, द्रोणाचार्य के सामने भी पहुंची, कोई सहारा नहीं देखने में आया, तो कौन सहारा रह गया? एक भगवान का सहारा रह गया। तो अंत में भी ऐसी स्थिति आनी है, फाइनल पेपर होगा, कौन कौन तिनके का सहारा लेकर के बैठे हुए हैं? ये मेरा पति है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भैया है, ये मेरी माम है, माँ है, ये मेरी नानी है, दादी है, ये सब तिनके के सहारे हैं। और जिन्होंने भक्ति मार्ग में शास्त्र लिखे वो संगम युग में पाठ बजाने वाले एक्टर है, और उनमें एक्टर है, संगम युग में पाठ बजाने वाले एक्टर है, और इस तरह एक्टर एक्टर्स हैं। हाँ,
संस्कार भी भरे हैं, इसके बावजूद भी जब शास्त्र लिखे तो उसमें उन्होंने संगम युग का जिक्र नहीं किया, शास्त्र लिखे हाँ तो उसमें संगम युग का उल्लेख नहीं किया हाँ। तो इसका क्या कारण है? जब भगवान ही याद नहीं रहता उनको तो उसका टाइम कहाँ से याद रहेगा। शुरुआत में शास्त्र सच्चे थे या शास्त्र झूठे थे? हर चीज पहले पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। जिस शास्त्रकार ने पहला पहला शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता लिखी थी वो सात्विक भाव में लिखी थी या तामसी भाव में बैठ लिखी थी? वो लिखने वाले सात्विक भाव वाले रहे नहीं, बाद में दूसरों ने जो तामसी भाव वाले या राजसी भाव वाले आए उन्होंने उसका गलत इंटरप्रिटेशन गलत व्याख्याएं कर दी। यज्ञ के आदि में भगवान जब आया था तो वो ही संस्कृत की गीता के असली अर्थ बैठ बताता था। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा, वही श्रीमद् भगवद गीता जिसकी 108 से ज्यादा टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, व्याख्याएं लिखी जा चुकी हैं मनुष्यों के द्वारा, वही मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखी हुई टीकाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, वो सात झूठी साबित हो जावेंगी। जब भगवान उनका अर्थ बैठ बताएगा, अभी भी बता रहा है, जैसे इशारा देते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी हूं, मैं इस दुनिया में सर्वव्यापी होकर नहीं रहता हूं, मैं तो परम धाम वासी हूं। गीता का श्लोक भी है, मैं जहां का वासी हूं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावक, वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, जहां आत्माएं जाकर के वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं लौटती, इस दुख धाम में वापस नहीं आती, वो मेरा परम धाम है। तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ में ही बता दिया कि मैं परम धाम का वासी हूं, ऊंचे थे ऊंचे लोक का वासी हूं। ऐसे ही गीता के एक एक श्लोक का अर्थ खुलेगा, शास्त्रों का सार तो भगवान ही आकर के बताता है। मनुष्य आत्माएं तो अनर्थ कर देती हैं, जो अंधकार बढ़ता जा रहा है, धुंधली में आधा है आया है, इसको अर्थ क्या? क्या एडवांस के लिए भी यह बात लागू होती है? क्या पूछ रहे हैं ये ब्राह्मण बच्चे? अरे इनसे तो पूछ लेने दो, आपने जो कुछ बताया कुछ अर्थ ही समझा? क्या पूछ रहे हैं आप? उसे पढ़िए नहीं, आप पूछिए क्या बात पूछना चाहते हैं। कि ब्राह्मण बच्चे अभी शिवरात्रि की छुट्टी मना रहे हैं ना? ब्राह्मण बच्चे छुट्टी नहीं मनाते,
ब्राह्मणों की कभी छुट्टी होती ही नहीं पुरुषार्थ की। पढ़ाई में कभी ये कहा जाता है आज तुम्हारी छुट्टी है, आज मुरली नहीं सुनना, आज क्लास बंद हो जाएगा। शिवरात्रि की बोल रहे हैं, शिवरात्रि की छुट्टी हमारी रोज ही शिवरात्रि है, हमारी अलग से शिवरात्रि होती ही नहीं, रोज ही शिव बाबा आता है, रोज ही हमको पढ़ाता है, है? ब्राह्मण बच्चे शिवरात्रि झूठी मना रहे हैं। नहीं मनाते हैं, मुरली जो है वो उन ब्राह्मणों के लिए बताई है जिन्होंने मुरली के राज को नहीं समझा है, ये जाना ही नहीं है कि शिवरात्रि क्या होती है। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण बच्चे शिवरात्रि मना रहे हैं वो बेसिक वालों के लिए बताया या एडवांस वाले जो सही अर्थ समझते हैं शिवरात्रि का उनके लिए बताया? कौन मनाते हैं शिवरात्रि? बेसिक वाले मनाते हैं शिवरात्रि। हम तो न दिवाली मनाते हैं, न रक्षाबंधन मनाते हैं, न दशहरा मनाते हैं, न शिवरात्रि मनाते हैं। हमारी रोज ही शिवरात्रि है, रोज ही दीपावली है, रोज ही दशहरा है। एक दिन मनाया वो भक्ति मार्ग, और रोज मनाते हैं वो ज्ञान मार्ग। बाबा ने तो ये टांट मारा है उनके ऊपर। और बाबा राम राम कृष्ण वाली आत्मा हो तो दूसरे दूसरे धर्मों के अंदर में आदम हवा एडम क्यों कहा गया? बुद्ध धर्म राम कृष्ण वाली आत्माओं को दूसरे दूसरे धर्मों में आदम हवा या एडम ईव कैसे कैसे नाम टाइटल दिए गए ना? नहीं तो दूसरे धर्म वाले ये बात कहाँ जानते हैं कि राम कृष्ण वाली आत्मा एडम और हवा है? माता और पिता ये तो हम समझते हैं। आदम और हवा जैसे मुसलमानों के अंदर में आदम हवा कहते हैं, क्रिश्चियनों में एडम ईव कहते हैं, वैसे बुद्ध धर्म के अंदर में ये तो ऐसे टाइटल नहीं है। बौद्ध धर्म वाले नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? बौद्ध धर्म के सारे साहित्य में कहीं भी आत्मा परमात्मा स्वर्ग और नरक का जिक्र नहीं आया है। इसे क्या साबित होता है वो नास्तिक धर्म है या आस्तिक धर्म है? वो नास्तिक हैं। और बाबा वीरभद्र ने गणेश जी का गला काटा, मतलब इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? वीरभद्र और कालभद्र ये दो देवी के संरक्षक दिखाए गए हैं। वास्तव में गणेश कोई होता नहीं है देवता, ये एक रूपक के रूपक दिखाया गया है कि ऐसी भी देवात्माएं हैं जो अपना देहभान त्याग नहीं पाती हैं इस जीवन में पुरुषार्थ करके। ये तो सूर्यवंशी आत्मा ही हैं जो इसी जीवन में अपना देहभान त्याग देती हैं। बाकी आत्माओं के कोई में के कोई के मुख में ही देहभान रह जाता है, कोई के दूसरी दूसरी इंद्रियों में देहभान रह जाता है, कोई का सारी इंद्रियों में देहभान रह जाता है। तो जिनके मुख में देहभान दिखाया गया है उनको गणेश का रूप दे दिया है। वीरभद्र कोई दूसरा नहीं है, प्रजापिता स्वयं ही वीरभद्र है। जो गणेश के देहभान को चकनाचूर कर देता है
गणेश को गणेश के रूप में दिखाओ, बैल के रूप में दिखाओ, बात एक ही हो जाती है। इसलिए शंकर को दिखाते हैं बैल पर सवारी की, और शास्त्रों में पितरों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन जीव माने गए हैं, कौवा, श्वान और गाय। तो इसमें कौओं को आकाश में, गाय को वायु में और श्वान को भूमि में विद्यमान पितृ रूप में माना जाता है, जिसका क्या अर्थ है? कौओं को आकाश में, गाय को वायु में और श्वान को भूमि में विद्यमान, इसको आकाश में कौओं को आकाश में दिखाते हैं, गाय को वायु में और गाय को वायु में और श्वान को भूमि में विद्यमान पितृ रूप में माने जाते हैं। अरे कामी कुत्ता होता है, उसकी बुद्धि मिट्टी में लगी रहेगी या ऊपर जाएगी? है, उसकी बुद्धि तो मिट्टी में ही लगी रहेगी। इसलिए श्वान को दिखा दिया है मिट्टी की ओर, धरणी की ओर, और गाय तो गौ माता है, गाय तो बड़ा सीधा प्राणी है। देवताओं की उपमा देनी होती है तो कहते हैं ये तो गौ जैसा है स्वभाव संस्कार से। तो देवताएं ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? ऊपर ही दिखाया जाता है, ऊपर के युग ही हैं सतयुग त्रेता। और कौआ, कौआ उड़ता तो ऊंचा है, आकाशी गति तो है, लेकिन फिर गंध खाता है, कौए की भाषा कोई पसंद नहीं करता। ये आर्य समाज ही कौए समान है, जिनसे नाम बना है कांग्रेस। काव काव करने की रेस में सबसे आगे जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, हर सड़क में जहां तहां देखो काव काव कर रहे हैं, हम भारत को स्वर्ग बनाए देंगे, दिल्ली को राजधानी बनाए देंगे, स्वर्ग की राजधानी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और चुनाव हो जाने के बाद सिवाय 5-स्टार होटलों में चक्कर लगाने के और कहीं नहीं देखे जाते हैं। तो आवाज करने में ये आकाशी हैं, बाकी प्रैक्टिकल जीवन में आकाश में नहीं दिखाई देते हैं। है? पितृ पूर्वजों के साथ क्यों जोड़ा हुआ है? पूर्वजों के लिए है। हमारे पूर्वज कौन है? है मम्मा बाबा ही हमारे पूर्वज हैं, ब्रह्मा सरस्वती हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। हम जब पूर्वजों का आवाहन करते हैं, उनको भोग खिलाते हैं, तो मम्मा बाबा का लगाव किन में लगा हुआ है? है अभी यज्ञ की बागडोर किनके हाथों में है? है जिनके हाथों में यज्ञ की बागडोर है वो कांग्रेसियों की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम स्वर्ग बनाएंगे। वो कौओं की शूटिंग है, छोटा बच्चा होता है उसको बहुत प्यार किया जाता है। तो ये आर्य समाजी भी
ब्रह्मा के सबसे छोटे बच्चे हैं। सारे ज्ञानी का कारोबार किसके हाथ में सौंप दिया था? कौए के हाथ में सौंप दिया था। वो कौआ बहुत आवाज करता था, हम भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर भगवान को प्रत्यक्ष कर पाया? नहीं कर पाया। काव काव करना अलग बात है, परंतु ब्रह्मा बाबा का प्यार तो उस छोटे बच्चे के प्रति लगा हुआ था। तो जिससे जिसका प्यार होता है उसको भी खिलाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा को फॉलो किया है उसने। किसने? उस कौए ने भी फॉलो किया है। जैसे ब्रह्मा अकाले मौत में शरीर छोड़ देते हैं, वो ज्ञान का कलश जिसके ऊपर रख दिया था ब्रह्मा ने, किसके ऊपर रखा था? है कुमारका के ऊपर नहीं, कोई भाई था जगदीश भाई, उनको भी मान देना पड़ता है। इसलिए आज भी जब पितरों को भोजन खिलाते हैं तो कौओं को भी खिलाते हैं। बाबा, आदमी मरता है तो उसका सर क्यों फोड़ते हैं? है? आदमी मर जाता है तो उसका सर क्यों फोड़ते हैं? हाँ, कि पुरानी बुद्धि खलास हो जाए। ये जो पत्थर बुद्धि है वो फूट जाए। वो तो मर जाता है ना। हाँ, लोग थोड़े ही जानते हैं, ये तो यहाँ की बात है। यहाँ हम तो देह को जलाते हैं, तो देह को जलाते हैं या हम देहभान को जलाते हैं? है, देहभान को जलाते हैं। भला हम देहभान को जलाते हैं तो भी खोपड़ी जलती है क्या? है, नहीं जलती है। सबकी खोपड़ी अपने अपने तरीके से चलती रहती है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। आखरीन तो सबकी खोपड़ी में जो संकल्प चल रहे हैं वो सबके संकल्प एक परमात्मा के संकल्प में समा जाएंगे या नहीं? यही खोपड़ी तोड़ना है। बाबा, अचलपुर, अचलपुर भील राजा का गांव है। अचलपुर, अचलपुर भील राजा का गांव है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? कोई भील हुआ होगा। भील 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 क्या होता है? अमरावती जिले में अचलपुर गांव है, है? हील राजा की राजधानी होती थी। हील राजा, उसकी राजधानी है अचलपुर में। हाँ, तो उसका बेहद का अर्थ है। अरे, अचलपुर तो एक ही है जो कभी चलता नहीं है, और जितनी भी राजधानी है वो सब चलायमान हो जाती है। सूर्यवंशी जो राजधानी स्थापन होगी उसको कोई भी चलाए नहीं पाएगा, अचलपुर हो जाएगी। उसकी यादगार बनाई हुई है। और भगवान को नचाते हैं, भक्त भगवान को नचाते हैं, नचाते हैं, और भगवान की तो भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि भगवान भक्तों को नचाते हैं, अथवा ये भी गायन है कि पत्तों पत्तों को चलाने वाला भगवान है। लेकिन ये बात किस समय की है? जब इस सृष्टि रूपी नए वृक्ष के पत्ते
नई दुनिया बनेगी, उसमें सूर्यवंशी जो भी बच्चे होंगे वो संपन्न होने के बाद श्रीमत पर चलने वाले होंगे, भगवान की मत के आधार पर हिलेंगे या अपनी मन मत चलाएंगे, क्या करेंगे? भगवान की मत पर चलेंगे। उस समय का गायन है कि पत्ते पत्ते को हिलाने वाला भगवान है। अभी का गायन नहीं है, अभी तो मन मत पर भी चल रहे हैं, मनुष्यों की मत पर भी चलते हैं, ऐसे ये भी गायन है। हाँ, ये बात सही है कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को नाचू के रूप में दिखाया हुआ है, घर घर में जाकर के नाच करता था। ये कहाँ की बात है? कृष्ण नाच करता था या भगवान स्वयं ही नाच करता है? बच्चों के घर घर में जाकर के उनको उठाता है तो ज्ञान डांस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। फिर बच्चे जब होशियार हो जाते हैं, श्रीमत पर चलने योग्य हो जाते हैं, तब कहा जाता है भगवान उनको नचाता है। जो श्रीमत की डोरी से बंधे हुए हैं, कहते भी हैं भक्ति मार्ग में हम तो उसके गुड्डे गुड़िया हैं, जैसे वो एक खेल होता है कठपुतलियों का, पीछे पर्दे के पीछे बैठा रहता है, उंगलियां घुमाता रहता है, डोरी से बंधी हुई वो कठपुतलियां नाचती रहती है, ऐसे हम सब भगवान की कठपुतलियां बन जाते हैं। जब संपन्न स्टेज को पाते हैं वो हमको नचाता है, हिसाब किताब पूरा हो जाता है, हमने उसको नचाया और वो हमको नचाता है। हरेक की धारणाओं को अच्छी रीति समझ सकते हैं, परंतु एक एक का बतलाते नहीं है, कहीं भंग न हो जाए। भंग माने एकदम डाउन न हो जाए, उमंग उत्साह खत्म न हो जाए, किसी के सामने उसकी कमजोरियां बता दो सबके सामने तो डाउन हो जाएगा, या खुशी में ऊपर उठेगा डाउन हो जाएगा, उसको कहते हैं फंक न हो जाए। एक तरफ बाबा मुरली कहते हैं कि बाप के बच्चों से आश रहती है कि आज नहीं तो कल ये बच्चा सुधर जाएगी, और ये भी कहते हैं मुझे तो तुमसे कोई आश नहीं है, तो बाबा ये क्या बात है? क्या बात हुई? क्लियर करके। अरे बच्चे सुधर जाएंगे तो अपने लिए सुधर जाएंगे या बाबा के लिए सुधर जाएंगे? अरे लौकिक बाप को तो आश रहती है कि बच्चा सुधर जाएगा तो बड़ा होकर के हमारी परवरिश करेगा। सुधरा हुआ बच्चा परवरिश करता है माँ बाप की या बिगड़ा हुआ बच्चा परवरिश करता है माँ बाप की? सुधरा हुआ परवरिश करता है। तो ये लौकिक दुनिया के लिए तो ये बात है कि आश रहती है, भगवान को अगर आश भी है कि बच्चे सुधर जाएं तो बच्चों के लिए आश है या भगवान अपने लिए आश किए बैठा है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे मेरी परवरिश करेंगे? शिव बाबा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है जो परवरिश ले बच्चों से। बाबा के आदि में कन्या है, माता है, सात सात तालों के अंदर थे, सात तालों के अंदर थे जो छुटकर बाबा के पास चली गई। बाबा यह सात ताले बेहद के भी हो सकते हैं? अच्छा, बेहद के भी है तो कौन से? यज्ञ के आदि में बेहद था, यज्ञ के आदि में सब बातें हद में भक्ति मार्ग की चलती थी या हद में चलती थी, सारी बातें हद की थी। अभी हम
बेहद ज्ञान में आए हैं तो अभी की बातें हो सकती है। गोदरेज का ताला कहो तो बुद्धि में बेहद की बात आ जाती है। गॉड है भगवान, रेज कहते हैं किरणें, गॉड की रेज अर्थात भगवान की किरणों का ताला। कौन सा ताला है? भगवान की श्रीमत पर जो चलते हैं उनकी बुद्धि का ताला खुलता है, और जो भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते हैं माया को भगवान डायरेक्शन देते हैं। क्या? जो मेरी श्रीमत पर चलते नहीं चलते हैं उनकी बुद्धि का ताला बंद कर दो। तो ये किसकी रेज का ताला हुआ? ये गॉड रेज की ताला हुआ। तो यहाँ हम सब बातें बेहद में उठाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी बोली गई उस समय तक सारी बातें हद की उठाई जाती थी, अभी एडवांस में सारी बातें बेहद की उठाई जाती हैं। जैसे तुम मकना हाथी हो, तो मकना हाथी का अर्थ क्या है? मुरली में पॉइंट है कि तुम मकना हाथी हो। हाँ। तो मकना हाथी माने? माने दे अभिमानी पागल हाथी। और बाबा जो एक दूसरे पार्ट आपस में डिक्लेयर करते हैं, क्या ब्रह्मा ब्राह्मण दुनिया में उन्होंने मानकर श्रीमद अनुकूल है क्या बाबा, की नजर में कोई और भी हो सकते हैं? जैसे बाबा जो पार्ट है ना, एक दूसरे के पार्ट आपस में डिक्लेयर कर रहे हैं ब्राह्मण बच्चे, एक दूसरे के कहां से डिक्लेयर करेंगे? बाबा ने तो कहा अपना पार्ट अपने आप ही डिक्लेयर करेंगे, दूसरा कोई डिक्लेयर नहीं करता। अगर करेगा तो बिना प्रूफ और प्रमाण के बोल देगा। यहाँ तो हम बाप के बच्चे हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, हम बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो हमारा पार्ट कोई कैसे डिक्लेयर करेगा बिना प्रूफ प्रमाण के? बाकी बकता है बोलता है तो बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया, हियर नो इविल, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। एक मूली में आया है, जब हम देवता बनेंगे तब हमें पता नहीं रहेगा, अगर देवताओं को इस ज्ञान का पता पड़ जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? पंक हो जाएंगे, इसलिए वहां याद ही नहीं रहता कि हम नीचे गिरेंगे। आदि में प्रजापिता के द्वारा जो भक्ति मार्ग की गीता की व्याख्या की जाती थी उसे पियू की वाणी कहेंगे, या माताओं के द्वारा जो बाप लिखते थे लिखवाते थे और बाबा लिखते थे उसे पियू की वाणी कहेंगे? पियू बाप को कहा जाता है। बाप स्त्री चोला होता है या पुरुष चोला होता है? पुरुष चोला। तो फिर माता की बात थोड़ी हो सकती है, तो पिता की बात है। माखन खाना मुरलिया चलाना है? माखन खाना मुरलिया चलाना मुरलिया चलाना नहीं गिलाए करना, यह कार्य कब तक चलेगा? कार्य जब तक चलेगा जब तक भागवत न पूरी हो जाए। पहले गीता होती है या पहले भागवत होती है या पहले महाभारत होता है? पहले क्या होता है? पहले गीता ज्ञान सुनाया जाता है। गीता ज्ञान सुन करके गोपियां गोप भागते हैं तो भागवत हो जाती है, और जब बड़े बड़े घर की भागती हैं मान मर्तबे वालों के घर की तो उन्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्सा आता है। जब उन पदमान मर्तबे वाले कौरवों को और यादवों को गुस्सा आता है तो महाभारत युद्ध हो जाता है। तो पहले गीता, बाद में भागवत और बाद में महाभारत। गीता को लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, गीता में बड़ा बड़ा मजमा लगता है गीता ज्ञान सुनाने वालों के टाइम,
या भागवत के टाइम पर बड़ा मजमा लगता है, हैं? क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान सुनने में किसी की रुचि नहीं होती है। दुनिया का वातावरण पश्चिमी सभ्यता से रंग जाता है, इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता। इसलिए गीता ज्ञान सुनने के लिए बहुत थोड़े इकट्ठे होते हैं। वो गीता ज्ञान सुनने के बाद जो गीता ज्ञान में रुचि लेने वाली थोड़ी सी गोप गोपियां निकलते हैं, वो जब भगवान की तरफ भाग पड़ते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर ढेर का ढेर उस भागने के टाइम पर मजमा इकट्ठा हो जाता है। अभी भागवत शुरू हो रही है कि नहीं? अभी घर घर से भाग रही है या जो फुल सरेंडर ब्रह्मा कुमारियां हैं वो भाग रही हैं? है? अभी घर घर से भाग रही है, इसलिए अभी छोटी भागवत है, अखबारों में थोड़ी थोड़ी चर्चा है, टीवी में थोड़ी थोड़ी चर्चा है, फिर जब रानी मक्खी भागेगी और उसके पीछे हजारों की तादाद में भागेंगी सरेंडर हैंड्स, तो जिनके अंडर दी कंट्रोल वो चल रही है उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। गुस्से में आकर के वो सारी धन संपत्ति जो पब्लिक की इकट्ठी की हुई है वो सब बर्बाद कर देंगे मीडिया के पीछे, टीवी चैनल्स के पीछे, प्रशासन के पीछे घूस खुला खिला करके सारी मटिया मेट करेंगे। तो ग्लानी होगी या नहीं होगी? है? संसार में ग्लानी हो जाएगी, जिसको शास्त्रों में गाया हुआ है कलंकी अवतार। भागवत कथा है, दुनिया में तो लोग भगाने को बुरा काम समझते हैं, वो तो स्थूल रूप से भगा कर ले जाते हैं, यहाँ तो बेहद की बात है, यहाँ बुद्धि को भगाने की बात है या देह को भगाने की बात है? है? बुद्धि भागती है तो तन अपने आप ही भागता है, फिर महाभारत युद्ध हो जाता है। ब्रह्मा को कर्ण कहा गया, ब्रह्मा उसको कर्ण को इतने श्राप मिले, ब्रह्मा उसको कर्ण को इतने श्राप मिले कि श्रापित ही उसका जीवन बना, वो कैसे? जिसके कारण अंत में पराजय अर्थात वीर गति को प्राप्त होते हैं, होता है। क्या पूछना चाहते? ब्रह्मा को कर्ण इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। कर्ण कान का नाम है, कर्ण माने कान। इस ज्ञान को सबसे जास्ती किसने सुना तो वो हो गया कान, कर्ण। वो कुंती माता का पहला पुत्र है और औलाद किसकी है? ज्ञान सूरी की डायरेक्ट औलाद है। तो उनको श्राप मिलेगी, श्राप मिले ना, श्रापित हो, श्रापित हो गए ना उनका जीवन, उनको श्राप मिले तो उनका जीवन भी श्रापित हो गया ना। हाँ। इसके कारण अंत में पराजय अर्थात
वीर गति को प्राप्त होता है। हाँ, वीर गति को प्राप्त हुआ ना, क्या ज्ञान छोड़ के भाग गया क्या? माया के युद्ध में छोड़ करके भागा क्या? नहीं भागा, माया के युद्ध में रहते रहते शरीर छोड़ दिया ना, तो वीर गति को मिलता है। पुरुष की बाई टांग और स्त्री की दाई टांग मिलाकर स्वभाव संस्कार एक हो जाएंगे। पुरुष की बाई टांग और स्त्री की दाई टांग मिलाकर स्वभाव संस्कार एक हो जाएंगे। बाई टांग और वार्तालाप में बोला है, और स्त्री की दाई टांग मिलाकर उनके स्वभाव संस्कार एक हो जाएंगे। टांग क्यों? ये टांग का अर्थ कहाँ से आया? क्या टांग बढ़ाना शुरू कर दिया क्या? टांग है बाबा, तीन टांग में से कहते हैं ना, दो टांग मिला के बताया, तीन टांग मतलब चार टांग में से बीच की टांग जो रहती है उनको बांध दो। बांधे? हाँ, तो वो बताया। तो किसकी टांगे बांधी जाती हैं? स्त्री की बाई, पुरुष की बाई टांग और स्त्री की दाई टांग। कोई की बांधी गई या बांधना शुरू कर दिया? ऐसे तीन टांग वाला बताया गया। बताया गया, लेकिन किसके लिए बताया गया? तीन टांग की जो दौड़ बोला गया। अरे कोई ने शुरुआत की होगी कि नहीं? तीन टांग चार टांगों को बांध करके तीन टांग बनाने की शुरुआत कोई ने की या नहीं की? की? किसने की? अरे अभी तक कोई ने की है? कोई ने नहीं की। सिर्फ बुद्धि में आ गई बात, पहले मन के अंदर आती है, फिर वाचा में आती है, फिर प्रैक्टिकल में भी आती है। तो जिसकी बुद्धि में आएगा वो वाचा और प्रैक्टिकल में भी जरूर आता है। तो तीन टांग मिलाने की और पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ने की शुरुआत करने वाला कौन? लक्ष्मी और नारायण। बाई टांग है और दाई टांग है। बाया अंग जो होता है वो बाम मार्गी कहा जाता है। पुरुष की बाई टांग और स्त्री की है दाई टांग। स्त्री को वाम मार्गी नहीं कहेंगे, खास करके भारत की माताओं को, अर्थात माता की पवित्रता की पावर और पुरुष की याद की पावर, याद की दौड़। ये दोनों का मेल होता है और दोनों के मेल से वो रेस आगे बढ़ जाती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की दौड़ है। जो आज भी स्कूलों में या कॉलेजों में यादगार में दिखाई जाती है, तीन टांग बना करके दौड़ते हैं और फिर उनको पुरस्कार मिलता है। जो आगे जाता है उसको अव्वल नंबर, दो नंबर, तीन नंबर घोषित किए जाते हैं। तो ये भी प्रवृत्ति मार्ग की दौड़ है। बुद्धि ने अपने बच्चों को कौन से नदी में स्वाहा किया? गंगा नदी में। तो गंगा नदी में बहाया ना। बाबा,
मांडे के शहनशाह की हुंडी का भी कितना जिक्र है, और हुंडी भरने वाला यहाँ बैठा है ना, जो कल्प कल्प तुम्हारी हुंडी भरी है। हाँ। तो शहनशाह की हुंडी माने क्या? अभी हुंडी भर नहीं रहे हैं, ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जावेंगे जन्म जन्मांतर के लिए। जो अभी संगम युग में जो ब्राह्मण ये ज्ञान धारण करते हैं, और जितना जो ज्ञान धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए बड़ा साहूकार बनेगा या गरीब बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा साहूकार बनेगा। तो ये स्थूल रतन बन जावेंगे, यही शहनशाह की हुंडी है। ओम शांति।